साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि एक अच्छा सा फॉर्म बना के दीजिए, बट आप लोगों ने मुझे अभी तक फॉर्म नहीं भेजा, तो ये बड़ी दुख की बात है। आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। अब आप बच्चे तो है नहीं कि आपको मैं मुर्गा बनाऊं। ऐसे भी सावन का महीना चल रहा है, तो अभी मैं अभी वेजिटेरियन ही हूं। तो आप लोग प्लीज अपने होमवर्क को टाइम पे कंप्लीट रखिएगा। होमवर्क जितना जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने ज्यादा फाइल्स पे काम कीजिएगा, उतनी चीजें आपको जल्दी समझ में आएगी। इस बात को समझ लीजिए। तो आज मैं उसी फाइल में, उसी एग्जाम्पल में, उसी फाइल में थोड़ा सा और चेंजिंग कर रहा हूँ और थोड़ी सी और चीजें इसमें डाल रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से फॉर्म बना। महासिंह जी, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किस तरीके से डेटा सेंड करेंगे, तो आपके डेटा में यहाँ पे सीरियल नंबर, डेट, टाइम और नेम बाकी आएगा। बस दिक्कत क्या है कि अगर मैं ब्लैंक भी छोड़ दूं तो भी डेटा को सेंड करता है। अब मुझे कंडीशन लगाना है कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कि नेम में जब तक डेटा ना डालूं तब तक वो सेंड ही ना करे। तो इसके लिए मैं यहाँ ऊपर कंडीशन लगाओ। तो जब भी हम कंडीशन यूज करना होता है तो इफ का यूज करते हैं हम एक्सेल के अंदर में, तो वीबीए में भी इफ यूज करते हैं, बस लगाने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो यहां पे देखेंगे कि इफ यहां लिखा हमने रेंज, रेंज में क्या है, बी थ्री डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो क्यों लिए, क्योंकि ब्लैंक सेल, सेल अगर ब्लैंक है, कोई वैल्यू उसमें नहीं है, तो एक्सेल उसको जीरो समझता है, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो दिया। हमने बोला इफ रेंज b3 डॉट वैल्यू इक्वल टू जीरो, दैट एक मैसेज में आपको इन्फॉर्म करेगा MSG बॉक्स कि एंटर योर। और एग्जिट सम और एंड इफ लगाने का तरीका है। इफ लगाने का तरीका ये होता है कि आप इफ दिए, इसके अंदर कंडीशंस देंगे और उसके बाद दो चीज डालना है, दो माने कि कंडीशंस को फॉलो होने के बाद जो भी प्रोसीजर को फॉलो करवानी है उसको लिखिए, और जब प्रोसीजर खत्म हो जाए तो यहाँ पे आप एंड। तो मैंने बोला कि b3 की वैल्यू जो b3 है उसकी वैल्यू अगर ब्लैंक हुई तो मैसेज आएगा कि एंटर योर नेम। और यही पे एग्जिट सब देने का पर्पज ये हुआ कि अगर एग्जिट सब ना देंगे तो मैसेज देने के बाद भी नीचे का जितने भी लाइन सब कोड है उसको फॉलो करेंगे। तो मैं चाहता कि नहीं भी, अगर एरर हुआ तो नीचे नहीं जाना है, यही पे खत्म कर देना है। तो यहां पे मैं दिया एग्जिट सब, यही पे मैटर को खत्म कर दो, इससे आगे इसको प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है। क्लियर है? आप देखिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। एंटर योर नेम, लेकिन मैं बोलता हूं कि मुझे तीनों देना चाहता हूं, कि तो नेम, रोल नंबर और अमाउंट तीनों को चाहता हूं। मतलब कि मेरे पास तीन कंडीशंस हैं। एक्सेल में जब मेरे पास मोर देन वन कंडीशन होते थे तो क्या करते थे हम, यहाँ पे और का इस्तेमाल करते थे या एंड का इस्तेमाल करते थे। तो यहां पे और का इस्तेमाल होगा कि और रेंज b6 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, और अगेन और रेंज b9 डॉट वैल्यू इक्वल टू जीरो। तो हमने यहां पे नंबर डाल दिया। तो इस तरह से आप और या फिर एंड एंड, यहाँ पे क्या है कि तीनों में से कोई एक का होना ही चाहिए, इसलिए हमने इसका यूज किया। अगर कोई तीनों में से कोई एक हो या तीनों का तीन होने चाहिए, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एंड का इस्तेमाल करते हैं कंपल्सरी में, रिक्वायर्ड फील्ड में, ये ऑप्शनल है, तो
जिसने मैं यहाँ पे डाला। तो अब क्या हुआ कि तीनों में से मैं किसी एक में भी नंबर डालूंगा ना ब्लैंक रहेगी तो प्रोसेस को फॉलो नहीं करने देगा। और यहाँ पे मैंने मैसेज डाला एंट्री और नेम गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लीज फिल ऑल, ठीक है ठीक है। तो अब जब तक इसको भी फिल अगर ब्लैंक है तो आगे क्वेश्चन को फॉलो नहीं करने देगा। अब दू समझ में आ गया आप लोगों को? मान सिंह जी, नरेश जी, सब समझ आ गया आपको? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है और नेक्स्ट प्रोसीजर है कि जो हम चाहते हैं कि रॉल नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए। एक रोल नंबर ऑलरेडी है तो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए, मान हाँ जी, मान लीजिए कि हम कैसे पता लगाएंगे कि अगर वन हमने यहां लिखा हुआ है तो इसके आगे वन जो है वहां पे है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए डीबी कब है, मैच है, लेकिन काउंट इफ सही रहेगा। तो मैं यहां पे कैलकुलेशन करूंगा सी इक्वल टू, मानसिक जी आपके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है तो प्लीज म्यूट कर ले, जब पूछना हुआ तो अनम्यूट कर ले। एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, क्योंकि काउंट इफ डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है इसलिए हमने वर्कशीट फंक्शन के जरिए उसको कॉल किया। और रेंज में यहां हमारा रेंज कौन सा, डेटा में, डेटा में कौन सा कॉलन है, ई कॉलन। तो यहां देना है रेंज, रेंज अलग शीट का है तो शीट रेफरेंस देना पड़ेगा, शीट डेटा डॉट रेंज और ई से लेके पूरा ई तक, और इसको लुकअप करना है तो रेंज बी थ्री डॉट टू लैक। अब क्या होगा कि अगर सी मतलब कि बी थ्री पे की वैल्यू जो भी हम रोल नंबर टाइप करेंगे और डेटा शीट के ई कॉलम में एग्जिस्ट करेगा तो उसका काम, अगर एक बार एग्जिस्ट किया तो एक, और एक से ज्यादा किया तो जो भी नंबर करेगा वो नंबर शीट पे स्टोर करेगा। मतलब सी पे जीरो के अलावा कोई वैल्यू स्टोर होती है इट मीन्स वो पर्टिकुलर रोल नंबर पहले से एग्जिस्ट है। तो यहां पर कंडीशन देते हैं कि इफ C is greater than zero, then. अब C क्या लिया हमने? हमने ऐसे ही variables ले लिया ABCD. और यहां पे हम करेंगे कि इनमें मैसेज बोर्ड में MSG box this roll number and already exist, और फिर यहां पे एग्जिट सब कर दो और यहां पे अब जैसे यहां पे हम करते हैं ये मान लीजिए हमने यहां पे डाल दिया पूजा और हमने लिख दिया रोल नंबर वन और तमाम दे दिया, तो देखिए क्या होगा। शेल पे क्लिक करूंगा और डेटा सेव हो गया। कुछ तो मैंने गलती किया है। अच्छा हाँ, बी थ्री नहीं, हमें बी सिक्स होना चाहिए, ये गलती यहां हो गई, देखिए बी थ्री कर दिया। अब करते हैं दिस ऑल नंबर हैव ऑलरेडी एग्जिस्ट, नहीं क्या? अगर मैं कोई अनदर ऑल नंबर डालूंगा, इसने डाल दिया फोर, तो सेंड कर दे, तब मेरा डेटा को सेव कर दिया।
कंडीशन समझ में आया आप लोगों को, मानसी जी, नरेंद्र जी एंड सनवाल, बाकी बाकी और लोग हैं। सी की वजह से लिए एक बार दोबारा से डिफेंड कर। सी सर एक्स वाई हाँ जी, जो एप्लीक हाँ बताता हूँ, सी एक वेरिएबल है स्टोर करने के लिए, और ए जो है आपका काउंट, इफ का फॉर्मूला नॉर्मल एक्सेल में बनाते हैं ना, काउंट हाँ जी जिसमें हम हाँ मेन सिलेक्ट करते हैं और जो काउंट करना हो सिलेक्ट करते हैं, उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ अप्लाई किया। बट क्या था, वीबीएम आपको वीबी के तरीके से अप्लाई करना, तो हमने बोला कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंटिंग इसका पाथ हो, क्योंकि काउंटिंग का फॉर्मूला डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, तो मैंने बोला कि एप्लीकेशन में जाके वर्कशीट के फंक्शन के अंदर जाके काउंटिंग को उठाओ, और अच्छा काउंटिंग के अंदर क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेंज कि डेटा शीट के कॉलम ये है, क्योंकि इसमें रेफरेंस आपको बीबीए के मेथड से देना पड़ेगा, नॉर्मल मेथड नहीं दे पाएंगे आप। ओके उसके बाद हमने बोला कि इसमें B6 की वैल्यू को फाइंड करो। अब ये क्या करेगा कि अगर मिला तो C के ऊपर एक नंबर देगा, 1 2 3 जो भी नंबर दे जितना वाले रिपीट हो, अगर नहीं मिला तो फाइल डिफॉल्ट जीरो रहे। अब मैंने कंडीशन ठीक है डाला समझ। कि इफ अगर C ग्रेटर देन जीरो तो मैसेज बॉक्स में रिफ्रेश मैसेज को पास आउट करें और यही पे मैक्रो को फिनिश करें। ठीक है को ऑप्शनल लेना क्या सर? सर ये सी ऑप्शनल लेना सर लेने के लिए? हाँ अपने साथ जो लेना चाहो ले सकते हो, ये मैथमेटिक्स की तरह होता है, एक्स वाई जे डेंसिटी। ठीक है ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं मैसेज डालता हूं तो डायरेक्ट डाल देता है, तो कभी कभी गलती से तो क्लिक हो सकता है, तो जैसे आप लोग कुछ करते से मैं मान लो फाइल ही क्लोज करता हूँ तो मुझसे पूछता है यू वांट टू सेव चेंज, तो एक अलग देता है कंफर्मेशन, जब तक कंफर्मेशन नहीं लेगा तब तक आगे प्रोसेस नहीं ब्रेक फॉलो करेगा, तो मैं चाहता हूँ कंफर्मेशन लेना, तो कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहां मान लो मैं के ले लिया, सी था से के ले लिया, के इक्वल टू MSG बॉक्स, अब ब्रैकेट में देखिए क्या है प्रॉम्प्ट, डू यू वांट टू सेव डेटा, और फिर यहां पे आता है बटन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो आप देखते हैं कि आपके जो मैसेज बॉक्स आता है उसमें सिर्फ ओके का बटन होता है, लेकिन यहां पे आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या होना चाहिए, यस नो, तो मैंने यस नो दे दिया, या जो भी देना चाहो टाइप कर सकते हो, और टाइटल कंफर्म, कंफर्मेशन, ठीक है। अब क्या होगा कि मैसेज बॉक्स में जो भी हम यस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे VVS, नो पे क्लिक करेंगे तो बीबी नो सेव होगा, तो कंडीशन में देते हैं कि इफ के इक्वल टू बीबी नो देन एग्जिट सर। अब ये देखिए हमें लगा है, अब बोले सर यहां पे तो मैं डैम देके या ब्रेक करते थे फिर एंड इफ करते थे, बट यहां पे क्यों नहीं, यहां पे क्या है कि रिजल्ट के बाद सिंगल कंडीशंस है, मतलब कि एक से ज्यादा कंडीशन है, दो कंडीशन देना कि मैसेज बॉक्स में देना और एड्रेस सबमिट करना है, तो मैंने इसको तोड़ के फिर एड्रेस के अंदर डाला, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ सिर्फ सिंगल रिजल्ट हो, बल्कि आपको एक कंडीशन चेक करके एक ही काम करना है, जैसे कि यहाँ पे कि के अगर यस एंड नो है तो एड्रेस सब मतलब कि नीचे के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करने देना है, इसलिए मैंने सिर्फ एक लाइन इसको लगा दिया। अब मैं यहां पे करता हूं, जैसे मैं यहां दिया पूजा नंबर 5 एंड अमाउंट हमने डाल दिया है, अब मैं जैसे इस पे सेंड पे क्लिक करूंगा तो मुझसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि डू यू वांट टू सेव डेटा, अगर मैं यस पे क्लिक करूंगा तो ए भेजेगा, नो पे क्लिक करूंगा तो नहीं भेजेगा, समझे सर? सर ये कंफर्मेशन का प्रोसेस
कंफर्मेशन अभी के अभी डाला ना क्या है कि अभी नो। मैसेज नहीं लगाता, मैसेज बॉक्स को डायरेक्टली डाल दोगे ना तो जस्ट मैसेज को पॉप करेगा, लेकिन मैसेज बॉक्स के थ्रू कुछ इनपुट लेना चाहते हो बटन्स के थ्रू तो आप उसको एक वेरिएबल पे डालो इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने टॉम को मैसेज बाहर प्रिंट होगा और यहाँ पे बटन्स क्या होने चाहिए वो सिलेक्ट किया और टाइटल क्या होना चाहिए वो सिलेक्ट किया, ये मैसेज बॉक्स बाहर पॉप करेगा। कि वो यस पे क्लिक करोगे करेगा तो यहाँ पे भी यस, अगर नो पे क्लिक करेगा तो भी नो इस वेरिएबल पे सेव होगा। फिर उस वेरिएबल को लेके हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि अगर वीवी नो हुआ तो माइक नो को क्लोज कर दो, यस हुआ तो आगे प्रोसीड प्रोसीड करेगा, नो हुआ तो बंद हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे एग्जिट सब जो माइक्रो को खत्म करता है, रोकता है, ब्रेकर है, आउटर है, वो हमने जो है नो पे लगाया हुआ है। ठीक है, नरेश जी, मानसिंह जी, समझ में आया? हाँ जी सुन रहा हूँ। ठीक है ठीक ये है। समझ में आया आपको? हाँ जी समझ आया। तो अब आप लोग इसके बिहाफ पे और लास्ट क्लासेस के बिहाफ पे आप एक फॉर्म बनाइए ना, आगे पढ़ाने से पहले मैं देख दो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझे एक ऑफिशियल फॉर्म जो कि ऑफिस में होता है, कोई भी ज्वाइनिंग का या कोई भी एक फॉर्म भरते हैं ना, इंटरनेट बहुत सारे फॉर्म भरते रहते हैं, एक फॉर्म डिजाइन कीजिए, उसका डेटा को स्टोर करवाइए और फिर कीजिए। ये बहुत ही यूजफुल मेथड है क्योंकि तो इसकी मदद से मैंने एक बहुत बड़े काम को आसान किया था। ठीक है, तो एक बार आप इसको अच्छे तरीके से कीजिए, आज की फाइल है मैं आपको भेज देता हूँ, लेकिन जब तक तो कुछ करेंगे नहीं तब तो आगे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा ना सर। तो आप लोग भी कुछ रिप्लाई कीजिए। तो बिल्कुल मुझे एक फॉर्म चाहिए, एक फॉर्म। तो मैंने आपको छोटा सा ऐसे ही बेसिक फॉर्म बता दिया, लेकिन मुझे एक फॉर्म चाहिए, एक ऑफिशियल फॉर्म चाहिए। ठीक है, उसके एक डेटा चाहिए। तो आप लोग बनाइए और मुझे मेल कीजिए, फिर मैं सबके मेल को एनालाइज करूंगा और जहां पे एरर होगी, गलतियां होगी, उसको मैं सही से समझाऊंगा, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। लेकिन पहले फॉर्म बना के दीजिए, माना कि आप लोग ऑफिस ऑफिस में बिजी है, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन उसी में थोड़ा सा टाइम इधर उधर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक तो फॉर्म बनाइए, फिर हम है। आपको मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।